सिवनी से एक बार फिर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस जब मौके पर पहुंची तो धर्म परिवर्तन कराने वाले ईसाई समुदाय के लोग वहां से फरार हो गए। सिवनी जिले के आदेगांव थाना के ग्राम सिमरिया में एक घर में हो रहे धर्म परिवर्तन की सूचना मिलते ही आदेगांव थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचते ही धर्म परिवर्तन कराने वाले चार ईसाई वहां से फरार हो गए। पुलिस ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा 5295 का के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। धर्म परिवर्तन का यह खेल आदिवासी क्षेत्र में कई सालों से चल रहा है। ईसाई मिशनरी द्वारा भोले भाले आदिवासियों को इलाज का पैसा देकर और अधिक पैसे का प्रलोभन देकर दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। एक महीने पूर्व भी सिवनी जिले के कुरई थाने में दो आरोपियों के ऊपर भी धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला दर्ज किया गया था। कल दिनांक 6/2/2021 की शाम को सुमतलाल तथा सियाराम इनवाती ग्राम सिमरिया का थाना उपस्थित आकर एक लिखित शिकायत पेश किया है कि इसकी दो बच्चियों की तबीयत खराब थी तो जोएल पास्टर निवासी लखनऊ का बताया जा रहा है उसके द्वारा इसकी बच्चियों की झाड़फूंक कर रहा था और इन्हें हिंदू धर्म बदलकर ईसाई धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी रिपोर्ट पर थाना आदेगांव में धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।